Hello everyone, this is Manchi from evenkathy.in. Now we are starting with a new chapter. The name of the chapter is Exponent and Powers. So this is an introduction video. इसमें हम try करेंगे जितने भी chapter में concepts होंगे, जो question से related concepts जो भी आएंगे वो हम यहाँ पे discuss करेंगे, ताकि जब आप exercise के questions करो तो आपको वो questions बहुत easy लगे. So we will start with, सबसे पहले name है chapter का Exponents and Powers. So ये Exponents और Power क्या होता है, let's see. If I write 10 and यहाँ पे इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ 4, so ये क्या होता है, इसको हम read करते हैं 10 raised to the power 4, okay? And here ये जो 10 है, ये है हमारा base, मतलब इस पूरे में 10 raised to the power 4 में ये 10 base है, ये जो 4 है ऊपर, this is the exponent. And it is together power, right? Because we read it as 10 raised to the power 4. Understand? This is an, और ये जिस form में आप लिख रहे हो, जैसे 10 raised to the power 4 लिखा, तो इसको हम बोलते हैं exponential form. मतलब अगर normal आपको कोई number दे रखा है और आपको बोला इसको exponential form में लिखो, so means आपको वो इस तरह से लिखना है, right? Now, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास गिवन है 10 raised to the power, जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया, so 10 raised to the power 4, this means 10 multiplied by 4 times, मतलब 10 हमारा 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. सिमिलरली अगर 2 raised to the power 6 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे तो अभी हमने देख लिया, इसको बोलते हैं हम एक्सपैंड करना. अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, लेट्स सपोज हमें नंबर गिवन है 512. अब इस नंबर को आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो हाउ यू विल लाइक दैट, सबसे पहले लेंगे हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 512 का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5, 6, राइट? देन अगेन विद 2, 1, 2, 8, देन अगेन विद 2, 6, 4, देन अगेन विद 2, 3, 2, देन 2, 1, 6, 2, 8, 2, 4, अब इसे इधर ले जाते हैं, so 2, 2, 2 and 1, अब यहाँ पे कितनी बार 2 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 times आ रहे 2, मतलब कि 2 into 2 into 2, ऐसी ये 9 times multiply हो रहे हैं, और अभी हमने देखा अगर हम इसे expansion एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ऐसे एक्सपैंड हो रखे है, अभी आपके पास एक्सपैंडेड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 9, बिकॉज 2 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो दिस विल बी 2 रेज टू द पावर 9, ओके? सो दिस वाज अबाउट एक्सपोनेंट्स. अभी इसके हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, सो अब सबसे पहले हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स में जो आपकी पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ लॉज यूज करते हैं, तो वो लॉज क्या होते हैं, लेट्स कम टू दैट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. अब इसके जो एक्सपोनेंट्स के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम कुछ लॉज यूज करते हैं, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं. इन लॉज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वो जब जिसमें बेस सेम होता है, एंड एक वो जिसमें आपके एक्सपोनेंट सेम होते हैं. नाउ अगेन We know that base और exponent क्या होता है, 10 raised to the power 4, ये हमने पहले भी example लिया था, 10 is the base, 4 is the exponent, right? अब हम पहले discuss करते हैं जिसमें base same होते हैं, so अगर आपके पास base same है और आपको multiply करना है, so it will be a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. इसका क्या मतलब है कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, सो इसमें आपकी पावर्स एड हो जाती है,
ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज 6 raised to the power 4 into 6 raised to the power 2, राइट. नाउ दिस विल बिकम 6 एंड 4 प्लस 2 मींस 6 raised to the power 6, ठीक है. सो इस तरह का अगर आपके पास आएगा तो आप पावर्स को एड कर दोगे. बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज दी फर्स्ट लो. सेकेंड, अगेन सेम बेस है लेकिन अब हम डिवाइड कर रहे हैं. सो ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर एन. नाउ दिस विल बी ए रेज टू द पावर एम माइनस एन. मीन्स बेस सेम है, पावर्स अलग है, और अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. ओके, नाउ सिमिलरली इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. 6 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 6 raised to the power 2. सो दिस विल बी 6 4 minus 2 विच इज 6 raised to the power 2. ओके, सो ये थे दो. इसके बाद हमारे पास है, एक आता है पावर ऑफ पावर. अब पावर ऑफ पावर का क्या मतलब है? अगर आपके पास है a रेज टू द पावर m एंड रेज टू द पावर n, अब यहां पे दो एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं आपके पास. a रेज टू द पावर m का आगे n पावर है. सो इसमें हम क्या करते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू n हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 raised to the power 3 एंड होल पावर 4, सो ये आ जाएगा 2 एंड ये दोनों मल्टीप्लाई विच इज 3 into 4. सो 2, 3 into 4 is 12. सो वी हैव 2 raised to the power 12. सो अभी हमने तीन डिस्कस करे. एक तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स एड. बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट. पावर ऑफ पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई. ओके, अब किसके अलावा आते हैं, अगर एक्सपोनेंट सेम है तो लॉस कैसे यूज करते हैं. नाउ अब हम आते हैं उन लॉस पे जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट्स सेम होते हैं. सो अब द फर्स्ट लॉ इन दिस विल बी, अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू द पावर एम. अब यहाँ पे बेस अलग हो रहे हैं, पावर्स सेम है, राइट. सो ये हो जाएगा ए इंटू बी लाइक दिस एंड इसकी पावर एज इट इज रहेगी विच इज एम, क्योंकि दोनों की पावर सेम है. सो दिस विल बी ए बी रेज टू द पावर एम, राइट. अगर एक्सपोनेंट्स सेम है, बेस अलग है, तो उनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो और पावर सेम कर दो. अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके पास है 6 raised to the power 2 into 4 raised to the power 2. नाउ बेस डिफरेंट है, पावर दोनों की सेम है. सो दिस इज 6 into 4 24, पावर क्या रहेगी 2. सो दिस विल बिकम्स 24 raised to the power 2. ओके, सो इफ आपके पास बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे बेस को और पावर को एज इट इज ले लोगे, ठीक है. ये था फर्स्ट लॉ. अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे. सो अगर यही सेम चीज है, बेस अलग है, पावर सेम है, बट अब क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. सो ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर एम. ओके, नाउ बेस अलग है, पावर सेम है. जैसे मल्टीप्लाई में हमने मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर ले ली, सेम यहां पे करेंगे ए अपॉन बी एंड बेस सेम. ओके, सो ये हो जाएगा ए अपॉन बी की पावर एम. अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी हैव 6 raised to the power 2 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power 2, दिस विल बी 6 upon 4 raised to the power 2. ओके, नाउ दिस वाज आवर सेकंड लॉ. अब ये दो दो लॉज दोनों के समझ आ गए एक्सपोनेंट के. एक और चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज इफ एक्सपोनेंट इज जीरो, मतलब कोई भी नंबर है रेज टू द पावर 0 है, सो वो हमेशा इक्वल होगा 1 के.
ओके इसको हम गलती से बहुत बार जीरो लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। किसी भी नंबर की पावर या फिर अफकोर्स अगर वो रेज टू द पावर जीरो है, एक्सपोनेंट जीरो है, तो वो वन के इक्वल होता है। ओके सो दिस वॉज ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब आप किसी बहुत बड़े से नंबर को शॉर्ट में लिखते हो तो हम बोलते हैं ये उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑल्सो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास नंबर है 5000000, सो वी हैव अ लॉन्ग नंबर, राइट? अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? लेट्स सी, इस नंबर को आई कैन राइट इट एज 5 × 1000000, राइट? ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बचा 5 × अब यहाँ पे जो नंबर है इसको आप 10^10 समथिंग लिख सकते हो। सो हम काउंट करेंगे जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीरो, मींस 10^7। सो ये हो जाएगा 5 × 10^7, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, अब ये था सिंपल सा। अगर आपके पास नंबर हो, लेट्स चेंज द नंबर, नाउ द नंबर इज 316, देन 0000000, इस तरह से है। आप इसको कैसे करोगे? यू कैन राइट इट एज 316 × 1000000, राइट? लेकिन अब ये जो नंबर है, अगर आप इसकी पावर भी कर दो, लाइक इफ यू राइट इट एज 316 × 10^5, स्टिल इट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म? बिकॉज जो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर ले रहे हो, ये बड़ा नंबर है, ये वन डिजिट नंबर नहीं है, इट इज 316। ओके, तो हमें इसको भी छोटा करना पड़ेगा। इसको कैसे छोटा कर सकते हैं? इसको छोटा हम कर सकते हैं अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल में, लाइक इफ यू हैव 316 और आप उसे 3.16 बना दो, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। अब इसे पॉइंट कैसे लाओगे? यहाँ पे देखो 316 है, लेट्स सपोज इसका पॉइंट अभी यहाँ है, बिकॉज ये हम अलग कर चुके हैं। सो इस पॉइंट को आपको दो डिजिट आगे लेके जाना है। अभी हमने एक चैप्टर में समझा था आप कैसे डेसिमल मूव करते हो। अगर आपको इसे आगे लेके जाना है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, राइट? सो आई कैन राइट 3.16 × 100 × ये नंबर एज इट इज, ठीक है? सो नाउ 3.16 × 1000 एंड देन 0000000। अब हम इसकी जीरोस काउंट कर सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो दिस विल बिकम 3.16 × 10^7 सो नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस नंबर। ओके सो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। आई होप हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस करे आपको समझ आ गए हैं, एंड अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो एंड आपको वो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।